किसान यूनियन ने दरोगा के खिलाफ मोर्चा खोला, दरोगा का ऑडियो देते हुए की कार्यवाही की मांग। झांसी के लहचूरा थाना के थाना प्रभारी और दरोगा पर भारतीय किसान यूनियन के किसान नेताओं द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है, जहां किसान यूनियन के नेताओं द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी को शिकायत पत्र दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष अखिलेश लेटोरिया, शंकर दयाल तिवारी, परमेश्वरी दयाल ने एक शिकायती पत्र पुलिस क्षेत्राधिकारी को देते हुए बताया कि लहचूरा थाना प्रभारी की मिली भगत से क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब का कारोबार फल फूल रहा है। इतना ही नहीं, इसी कच्ची शराब से कई लोगों की जान भी चली गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि पुलिस को सुविधा शुल्क मिलता है। वहीं उन्होंने बताया कि लहचूरा थाने में तैनात एक दरोगा द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर रुपयों की मांग भी की गई, जिसका ऑडियो भी पुलिस के अधिकारियों को देते हुए कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। लहचूरा थाने में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उदाहरण के तौर पर अक्षयों में कुछ लोगों से दरोगा जी पैसे मांग रहे हैं, उसका ऑडियो हमारे पास है। जो दरोगा जी क्या नाम लिखते हैं, सुरेश यादव जी हैं, जो भी लेन देन की बात कर रहे हैं और भी 6,000 रुपये मांग रहे हैं, ऑडियो में है, वो सारा साक्ष्य हम आपको भी दे रहे हैं। कोई जफा दफा करने वेरिफिकेशन का कोई मैटर है, 4,000 मांगे एक व्यक्ति था। ये उसका जो लड़का जो है जेल गया था, उसका वेरिफिकेशन आया था जमानत पर, जमानत पत्र का वेरिफिकेशन कराने के लिए 4,000 रुपया मांगे। और दारू की समस्या तो हम पहले से भी उठा रहे हैं, अक्षय गांव में दारू बेची जा रही है, जिसको लेकर के लहचूरा एसओ से कई बार मैंने भी कहा, एक बार क्षेत्र अधिकारी को उसको पहले भी ज्ञापन दिया था, अभी तहसील दिवस में SPRA साहब को मैंने ज्ञापन दिया, इसके माध्यम से मैंने बताया ग्रामीण क्षेत्र में जो दारू बेची जा रही है और यहाँ मऊरानीपुर में भी चौराई रोड पर बेची जा रही है, अक्षयों के लिए मैंने कई बार लिखा और कई बार कहा भी ले आ करके थाने में छोड़ देते हैं, थाने में ले आ करके उनको नाश्ता कराते हैं, इसके बाद छोड़ दिए जाते हैं दारू की, ये पॉइजन है। अक्षयों में एक हत्या भी हो गई थी, अभी ताजी हत्या हुई थी दारू के मैटर में, लेकिन दारू वहाँ की बंद नहीं हुई। तो महोदय, हम लोग चाहते हैं, पत्रकार भाई आप लोगों से मीडिया से कहना चाहते हैं कि हम लोग अगर ये दारू बंद नहीं होती है तो हम लोग लहचूरा थाने में धरना देके बैठेंगे, जिसमें सारी जिम्मेवारी पुलिस विभाग की होगी। अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं क्षेत्राधिकारी? अभी क्षेत्राधिकारी से मैं तो ये चाहता हूँ कि उन दरोगा जी को तत्कालीन सस्पेंड किया जाए, यही चाहते हैं, और दारू तत्कालीन बंद कराई जाए। इनका हमें मिले नहीं, दो बताओ, एक आदमी वही लग जाती है, चलो 3 कर देना, ठीक है, 15-15 हम एक आदमी हमेशा वही करोगा, करेगा 2,000 करेगा, चलो 3-3 करा लेते भी करा लेना, 3,000 रुपये के लिए। मऊरानीपुर से भूपेंद्र सिंह परिहार के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।